गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के बहुभुज के बारे में जानेंगे। बहुभुज को आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी में पॉलीगॉन कहा जाता है, ठीक है। और इसकी परिभाषा आप लोगों को पिछले कक्षा में आपको बताए थे कि केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। देखिए, ये बहुभुज की आकृतियां हैं, ये सरल बंद वक्र है जो केवल रेखाखंडों से बने हैं। यह भी सरल बंद वक्र है, रेखाखंड से बना है। यह भी सरल बंद वक्र है जो रेखाखंड से बना है। इस तरह से ये क्या है, बहुभुज की आकृतियां हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ बहुभुज इस तरह के होते हैं, कुछ बहुभुज इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये एक बहुभुज हुआ, ये एक बहुभुज हुआ, ठीक है। ये देखिए, कुछ बहुभुज और दे रहे हैं, ये बहुभुज हुआ, ये बहुभुज हुआ। इन दोनों बहुभुजों को देखिए, ठीक है। ये आकृति मान लीजिए एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ठीक है। ये चार है आकृति, एक दो तीन चार, ये एक नंबर है, ये दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ठीक। तो इन आकृतियों को देखिए, पहले ध्यान दीजिए, इस बहुभुज में अगर आप कहीं भी दो बिंदु ले इसके अंदर, मान लीजिए यहां एक बिंदु लेते हैं, यहां एक बिंदु लेते हैं, और दोनों को मिलाते हैं, रेखाखंड बना। रेखाखंड क्या हुआ, इसके अंदर ही रहा, किसके बाहर चला गया, अभी देखिए इसके अंदर है। अब देखिए, यहां एक बिंदु लेते हैं, यहां एक बिंदु लेते हैं, और दोनों बिंदु को आपस में जोड़ते हैं, तो रेखाखंड बना। रेखाखंड का कुछ हिस्सा क्या हो गया, इस बहुभुज से बाहर चला गया, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कि अगर हम लोग कहीं भी दो बिंदु ले और दोनों बिंदु को आपस में मिलाते हैं, तो ऐसा भी हम लोगों को रेखाखंड मिलता है जो जिसमें रेखाखंड का कुछ हिस्सा इस आकृति के, इस बहुभुज के बाहर चल जाता है। तो जिन बहुभुजों में ऐसा पाया जाता है कि बहुभुज के अंदर कहीं भी दो बिंदु ले और दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बने वह बहुभुज के बाहर चला जाए, तो ऐसे बहुभुज को हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज, ठीक। ये एक नंबर और दो नंबर क्या है, अवतल बहुभुज के उदाहरण है। इसको अंग्रेजी में कॉनकेव पॉलीगॉन कहा जाता है, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन कहा जाता है। और ये दोनों देखिए, इन दोनों में अगर कहीं भी आप कोई दो बिंदु लीजिए और दोनों बिंदु को आपस में जोड़िए, जो रेखाखंड बनेगा। इसमें भी देखिए, कहीं भी दो बिंदु लीजिए, दोनों को आपस में जोड़िए, जो रेखाखंड बना, क्या इस आकृति से बाहर गया, इस बहुभुज के बाहर गया, क्या इस बहुभुज के बाहर गया। तो अगर ऐसी संभावना नहीं है किसी भी परिस्थिति में कि जब कोई दो बिंदु लेते हैं, दोनों को जोड़ने से जो रेखाखंड बने वह बहुभुज के भीतर ही रहे, तो ऐसे बहुभुज को हम लोग उत्तल बहुभुज कहते हैं, ठीक। उत्तल बहुभुज कहेंगे इसको, और उत्तल बहुभुज को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुआ, ये कॉनकेव पॉलीगॉन हुआ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो है, ये जो कॉनकेव पॉलीगॉन है या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, इसको पहचानने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि बहुभुज का हम लोग विकर्ण बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुभुज है, ठीक, ये कोई बहुभुज है, इस बहुभुज का विकर्ण, विकर्ण समझ रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी एक बहुभुज है, इसका विकर्ण शीर्ष ए को हम लोग उसके आसन्न शीर्ष को छोड़ करके दूसरा शीर्ष से जोड़ते हैं, तो किसी बहुभुज के किसी शीर्ष को उसके आसन्न शीर्ष को, शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्ष से जोड़ने से जो रेखाखंड बनता है इसको विकर्ण कहते हैं। क्या विकर्ण से बाहर चला गया, नहीं गया है। अब यहाँ देखिए, दूसरा विकर्ण को हम लोग मिलाते हैं, क्या इससे बाहर गया, नहीं गया। तो यदि विकर्ण इसके अंदर ही रहे, बहुभुज के अंदर रहे, तो उसको हम लोग उत्तल बहुभुज कहेंगे। और इसमें देखिए, अगर हम लोग इसका विकर्ण को मिलाते हैं, मान लीजिए ये बहुभुज जो था, इसके विकर्ण को यदि हम आपस में मिलाते हैं, ए बी सी डी ई, एक बहुभुज है, इसमें देखिए
शीर्ष बी पर ध्यान दीजिए, शीर्ष बी का आसन शीर्ष ए और सी है जो नजदीक में है, तो ए और सी को छोड़ करके बाकी दो शीर्ष बचता है ई और डी। तो बी को यदि ई से जोड़ते हैं तो लग रहा है कि ये तो अंदर ही जाएगा, लेकिन बी को यदि डी से हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बी को जो डी से जोड़ते हैं तो ये जो बी डी जो विकर्ण हुआ यह इसके बाहर बहुभुज के बाहर चला गया। तो यदि बहुभुज के बाहर चल जाता है तो ऐसे स्थिति में बहुभुज का विकर्ण, कोई भी विकर्ण बहुभुज के बाहर अगर चल जाए तो ऐसी स्थिति में उस बहुभुज को हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे, और यदि बहुभुज के विकर्ण हमेशा बहुभुज के अंदर ही रहे तो उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। इस तरह से बहुभुज के दो प्रकार हो गए, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। हम लोगों को केवल उत्तल बहुभुज के बारे में इस कक्षा में पढ़ना है। अब जानिए उत्तल बहुभुज क्या एक ही तरह के होते हैं कि अलग अलग तरह के होते हैं। तो देखिए उत्तल बहुभुज भी दो तरह के होते हैं, कुछ हम उत्तल बहुभुज के उदाहरण दे रहे हैं। ठीक, ये देखिए कुछ उत्तल बहुभुज के उदाहरण दे रहे हैं। ये मान लीजिए एक बहुभुज है जिसका नाम दे रहे हैं ए बी सी। इसका एक कोण 60 डिग्री, यह कोण भी 60 डिग्री, यह कोण भी 60 डिग्री। ठीक है, और ये भुजा मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, इसमें भी देखिए मान लीजिए चारों कोण बराबर है, ये चारों कोण 90-90 डिग्री है। ठीक है, चारों कोण मान लेते हैं 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और चारों भुजा बराबर है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों बहुभुजों में हम लोग देख रहे हैं कि भुजाओं की लंबाइयां और साथ ही साथ कोण की माप दोनों बराबर है। भुजा आप लोग को बताए थे बहुभुज की भुजा, कि बहुभुज जिन रेखाखंडों से बनते हैं उसको बहुभुज की भुजा कहते हैं। यह जो बहुभुज ए बी सी बना है, रेखाखंड ए बी बी सी और सी ए से बना है, तो ए बी बी सी और सी ए क्या हुए, इस बहुभुज की भुजाएं हैं और तीनों की लंबाई आपस में बराबर है। उसी तरह से इस बहुभुज में देखिए कि ये इसका नाम मान लीजिए हम लोग देते हैं पी क्यू आर और एस। इस बहुभुज में हम लोग देख रहे हैं कि बहुभुज की भुजाएं पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी है, क्योंकि इन्हीं रेखाखंड से बहुभुज बना है, तो ये बहुभुज की भुजाएं भी। साथ ही देख रहे हैं कि सभी बहुभुज की भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान है और चारों कोण भी समान है। तो अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान हो, कोण आपस में समान हो, तो वैसे बहुभुज को, इन दोनों बहुभुज को हम लोग कहेंगे सम बहुभुज। इस तरह के जो बहुभुज है वे सम बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, सम बहुभुज, सम बहुभुज हो गया। अब सम बहुभुज को अंग्रेजी में कहा जाता है रेगुलर पॉलीगोन। इसको क्या कहते हैं, रेगुलर, रेगुलर पॉलीगोन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगोन इसको कहेंगे। और कुछ ऐसे भी देखिए होते हैं कि जिसमें दोनों बराबर नहीं है। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है। या मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से है कि चारों कोण बराबर है, चारों कोण मान लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है, चारों कोण 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, लेकिन ये भुजा मान लीजिए 3 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 6 है, और ये भुजा 6 है। तो क्या देख रहे हैं, केवल ये समान कोणिक है। ठीक है, केवल समान कोणिक होने से या केवल भुजाओं की लंबाइयां बराबर होने से, जैसे देखिए इसमें देखिए भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर है। ठीक है, ये समभुज इसको कहें, भुजाओं की लंबाइयां मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, भुजाओं की लंबाइयां समान है, लेकिन ये कोण देखिए, मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 120 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 120 डिग्री है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस आकृति का, इस बहुभुज का, इस बहुभुज की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, यानी समभुज है लेकिन समान कोणिक नहीं है। यहां क्या देख रहे हैं, समान कोणिक है लेकिन समभुज नहीं है, यानी भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं है और इसमें भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान नहीं है। तो ऐसे जो बहुभुज हैं जो जिनमें या तो भुजाओं की लंबाइयां समान ना हो, या भुजाओं की लंबाइयां समान हो किंतु समान कोणिक ना हो,
या फिर समानुपौनिक हो लेकिन भुजाओं की लंबाइयां समान ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं विषम बहुभुज। इसको क्या कहेंगे? विषम बहुभुज कहेंगे। हाँ, विषम बहुभुज। और विषम बहुभुज को अंग्रेजी में कहा जाता है इरेगुलर, इसको कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। आप लोग जान गए, ये हो गया समबहुभुज और ये हो गया विषम बहुभुज। ठीक है, बहुभुज के प्रकार जान गए, एक तो उत्तल था, दूसरा अवतल था। फिर उत्तल बहुभुज को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे, समबहुभुज जिसमें भुजा और भुजाओं की लंबाइयां और कोण समान है, और जिसमें या तो भुजा की लंबाई समान नहीं है या तो कोण समान नहीं है या तो दोनों समान नहीं है, उसको क्या कहेंगे? विषम बहुभुज कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। अब एक चीज और जान लीजिए, भुजाओं की संख्या के अनुसार जो बहुभुज की भुजाएं हैं उसके अनुसार बहुभुज की भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या मान लीजिए तीन रहे तो उस बहुभुज का नाम क्या है? बहुभुज का नाम, अब नामकरण बताए थे पहले भी, ये हो गया भुजाओं की संख्या। क्या हो गया? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या तीन है तो इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। भुजाओं की संख्या चार है इसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। भुजाओं की संख्या पांच है, ठीक है, भुजाओं की संख्या पांच है इसको हम लोग पंचभुज बोलते हैं। इसी तरह से भुजाओं की संख्या छह है तो षडभुज बोलेंगे, भुजाओं की संख्या सात है तो सप्तभुज बोलेंगे। लेकिन आगे जाकर के यदि मान लीजिए भुजाओं की संख्या बाईस है तो उसको उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक, उसका विशेष नाम नहीं है, वैसी स्थिति में हम लोग कैसे नामकरण करेंगे? तो वह बहुभुज जिसमें 22 भुजाएं हो तो उसको 22 भुजा वाला बहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बहुभुज के प्रकार के बारे में जान गए कि बहुभुज कितने तरह के होते हैं, और आगे की कक्षा में हम लोग बहुभुज की विकर्ण के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, यानी एक बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।